फोटो तो सबके मोबाइल में है। अगर हम आपको एक ऐसी वेबसाइट बताएं जिस पे आप अपने फोटो सेल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अख्तर रसूल और आपको हमारे चैनल पे मिलती है नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, यूट्यूब ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग। अगर आप इनको फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करेंगे जिस पे आप अपने फोटो, अपने मोबाइल से बने हुए फोटो अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। वो कि ए वन टाइम नहीं, वो लाइफ टाइम अर्निंग होगी जब तक आपका अकाउंट उस पे रहेगा और जब तक आपकी पिक्चर्स अपलोड होती रहेंगी आपको उसकी अर्निंग मिलती रहेगी। एक पिक्चर की आप बार बार अर्निंग ले सकते हैं जब तक वो आपके अकाउंट पे रहेगी, बार बार लोग उसको डाउनलोड करते रहेंगे तो आपके अकाउंट में डॉलर्स आते रहेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे, आपके साथ शेयर करते हैं वो कौन सी वेबसाइट है, किस तरह आपने उस पर अकाउंट बनाना है और किस तरह आपने उस पर पिक्चर्स अपलोड करनी है और किस तरह आपने उसे विदड्रॉ लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं स्क्रीन पे। गूगल पे आप आके आपने टाइप करना है ड्रीम्स टाइम, ये आप वेबसाइट आपके सामने है, इसको आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज यहाँ हमारे पास ओपन हो जाएगा। मैंने इस पे लॉगिन किया हुआ है, आपने सबसे पहले इस पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह आपके पास यहाँ पे आपकी आईडी शो करेगा और उसके बाद यहाँ साथ आपके अकाउंट शो करेगा, माय अकाउंट। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने एडिट प्रोफाइल पे जाना है। सबसे पहले आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करेंगे, अगर प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी तो वो आपको आपकी फोटोज जो है और वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं करने देगा। फोटो की बात हो रही थी, फोटो के साथ साथ आप इस पे शॉर्ट वीडियोज भी डाल सकते हैं, वेक्टर भी डाल सकते हैं, इलस्ट्रेशन। अगर आप अच्छे कोई डिजाइनर हैं तो आप इस पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे यहाँ ऑप्शन आ रही है, आप अपनी पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकते हैं प्रोफाइल में, और यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम देंगे, यहाँ पे लास्ट नेम है और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है। एड्रेस के बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि सिटी आप अपना टाइप करें यहाँ पे, और पाकिस्तान कंट्री उसने पहले ही सिलेक्ट कर लिया हमारा। यहाँ पे आपने जिप कोड देना है, आपने अपने एरिया का जिप कोड देना है। आप अपने एरिया को टाइप करेंगे गूगल पे जाके और साथ लिखेंगे जिप कोड तो आपको वो प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे आपने कंट्री देनी है, कंट्री स्टेट है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, फोन नंबर, और यहाँ पे ऑप्शन है वेबसाइट की, और इसके लिए वरी नहीं होना। वेबसाइट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर देना है। कंपनी में आप इसको अदर लिख सकते हैं। यहाँ पे योर इंडस्ट्री भी आप इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, और यहाँ पे लास्ट पे आते हैं साइज ऑफ योर कंपनी। पूछ रहे हैं कि आप इंडिविजुअल हैं या आपकी कोई कंपनी है, उसका साइज क्या है, तो आप इसको 5 से 10 कर सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे अब चलते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है इक्विपमेंट डिटेल, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं अगर नहीं है तो। यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। बायो में आपने अपने बारे में कुछ बताना है, कोई 150 वर्ड लिख दें, 200 वर्ड लिख दें, अपने बारे में बताना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपर्टी है आपकी, वो बायो आपने अपनी फिल करनी है। इसके नीचे फेसबुक लिंक आ रहा है, ट्विटर आ रहा है, लिंक्डइन आ रहा है, ये ऑप्शनल है। अगर आपने इनके अपने लिंक जो है वो शेयर करने हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये सारा फिलअप करने के बाद आपने यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है तो एक नई विंडो आपके साथ ओपन हो जाएगी। तो अभी हम भी इसको फिलअप करते हैं और आपके साथ चलते हैं नेक्स्ट वाली विंडो पे। वहां पे अपडेट करने के बाद हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे जैसे हमारा माई अकाउंट है और यहाँ पे हमारी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगी, अपलोड ए फाइल। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगी, एड और ड्रॉ फाइल हेयर। यहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी, वो हमने जरूर रीड करनी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर हम रीड नहीं करेंगे तो ये फाइल्स जो है वो अपलोड नहीं होंगी। फाइल्स अपलोड नहीं होंगी तो फिर हमारा अकाउंट आगे ग्रो नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के हम इसको रीड करेंगे ताकि हमें इजीली पता चल सके। यहाँ पे आपने पिक्चर्स जो है वो पीएनजी और जेपीजी में अपलोड करनी है।
अगर आप जेपीजी और पीएनजी की एक साथ पिक्चर जो है अपलोड करते हैं तो फिर आपने एक काम जरूर करना है, आपने जो इसका टाइटल होगा उसका दोनों को सेम करना है। अगर आप सेम टाइटल उसका नहीं करेंगे, उसकी सेम आईडी नहीं करेंगे, तो फिर वो पिक्चर आपकी अपलोड नहीं होगी। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं, इमेज में वो जेपीजी कह रहे हैं, वीडियो में मूवी एवी MP4 और ये सारी ऑप्शंस आपने पढ़नी है। एडिशनल फॉर्मेट में वो वेक्टर कह रहे हैं, कोरल ड्रा है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर जितना भी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे या जितनी भी स्किल्स आपके पास हैं आप उतना इससे फायदा उठा सकते हैं। शॉर्ट वीडियोज जो हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं इसमें, और शॉर्ट वीडियोज में भी काफ़ी ऑप्शन है कि आप इस पर जल्दी ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पिक्चर में इंटरेस्टेड होते हैं वो जरा इजिली है, शॉर्ट वीडियोस की तरफ जाएंगे तो आप इसमें जल्दी ग्रो करेंगे। ये सारे कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इमेज वीडियो एंड ऑडियो आप कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने सिंपल एक जेपीजी भी इस पे अपलोड कर सकते हैं और आप दोनों फाइल्स को भी एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ये मैं क्लिक करता हूँ, ये हम आ गए हैं, ये मैंने एक पिक्चर दो पिक्चर बनाई है, एक जेपीजी है और एक पीएनजी में है। तो अभी हम इनको पहले हम जेपीजी को अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर ये नहीं करती तो फिर हम दोनों को एक साथ करते हैं। ये मैंने ऊपर किया और यहाँ पे इसको अपलोड पे लगा दिया। ये थोड़ा टाइम लेती है अपलोड के लिए, तो जैसे ही इसकी अपलोड शुरू हो गई है आप नीचे देख रहे हो कि बार पे ये अपलोड हो रही है पिक्चर, और अगर ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। इसके बाद हम दोनों फाइल जो है वो एक साथ अपलोड करेंगे, पीएनजी और जेपीजी भी। आप उसका भी आपको दिखाते हैं किस तरह वो अपलोड होंगे। ये देखिए जी, एक हमारी जो पिक्चर है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रही है अपलोडिंग के लिए। जैसे ही अपलोड होती है फिर हमने इसका इसका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है और उसकी जो कीवर्ड है वो लाजमी देने हैं, जो कि सर्चिंग के लिए होते हैं। जैसे कोई एक बंदा वेबसाइट पे आया, उसको कोई पिक्चर चाहिए, तो वो वहां पे नाम लिखेगा और सर्च करेगा वहां से, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप उसके टाइटल टैग नहीं देंगे तो फिर आप उसको आपकी सर्चिंग में नहीं आएगी। ये देखिए, ये इस तरह हमारे पास ओपन हो गई है, और यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी उसको टाइटल दिया हुआ था उसके हिसाब से उसने यहाँ नीचे कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लिए। कीवर्ड इसमें मेरे ख्याल आई थिंक एक दो ज्यादा है, वो हम देख लेते हैं, इसको रिमूव कर देंगे, बाकी कीवर्ड हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन देनी, इस पिक्चर के बारे में हमने बताना है कि ये पिक्चर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके फायदे क्या है। तकरीबन कोई 100 के वर्ड की एक हमने डिस्क्रिप्शन देखनी बतानी। हमने ये भी बताना है कि हमने पिक्चर कहाँ से डाउनलोड की है, खुद बनाई है, इसके बैकएंड पे क्या है और इसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें हमने छोटा सा ना डिस्क्राइब करना है, ताकि सॉफ्टवेयर को पता चल जाए कि ये पिक्चर है क्या असल में। बेसिकली वो हमें सिर्फ हमारी डिस्क्रिप्शन को देख रहा होता है, पिक्चर को जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो नहीं रीड करते। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लिखेंगे तो वो इससे रीड करेगा। तो ये मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा फिलअप कर लेता हूँ। अगर आपको कोई इसमें डिस्क्रिप्शन लिखने में मसला आ रहा है तो फिर आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, आप जाएं उस पे चैट जीपीटी पे, ये जो टाइटल है इसको ले जाएं, इसको जाके उसे कहें जी मुझे इस पे एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे। ये चैट जीपीटी आ गया है और इसे हम कहते हैं कि हमें इसका एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन लिख के दे। राइट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस। ये अभी हम एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, यही उठा के हम उस पर डाल देंगे तो हमारी डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगी। यहां पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ये ले जी डिस्क्रिप्शन भी होगी हमारी। अब नेक्स्ट, ये तीन कैटेगरीज आपने इसके अंदर सेलेक्ट करनी है, आप पिक्चर से रिलेटेड आपकी पिक्चर्स किस कैटेगरी की है, किस किस तरह की है। ये इंडस्ट्रीज हम कर लेते हैं पिक्चर से रिलेटेड, जैसे अगर आप फूड की है या एनिमल्स की है, उससे रिलेटेड आपने ये सारी कैटेगरीज जो है ना वो करनी है। बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं, आपने अपने हिसाब से कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है।
कैटेगरीज हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हैं, ये आप देख रहे होंगे। इसके नीचे ये कीवर्ड हैं, कीवर्ड भी बहुत जरूरी होते हैं, इनसे ही सर्चिंग होती है। नीचे अगर हम आए तो ये कह रहे हैं ऑल टेक्स्ट सच एज टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश। जो ऊपर आपने जो टाइटल दिया है इस पिक्चर का और इसकी डिस्क्रिप्शन जो दी है, और ये सारी चीजें इंग्लिश में होनी चाहिए। नीचे यहाँ पे कमेंट्स फॉर की मास्टर, ये दो ऑप्शंस हैं, इनको आपने टिक ही रहने देना है। और सेल द राइट और या कस्टम प्राइस आपने देखनी है, खुद आपने इसकी प्राइस सिलेक्ट करनी है, या वो कह रहे हैं जी रिकमेंडेड प्राइस जो है तो आप इसको एज इट इज ही रहने। इसके बाद हम इसको सबमिट एज ए कमर्शियल करेंगे, कमर्शियल पे करेंगे तो इसके ज्यादा प्राइस है, एडिटोरियल पे करेंगे तो इसकी कम प्राइस होती है। तो हम इसको सबमिट पे करते हैं ताकि हमारी रिव्यू के लिए पिक्चर चली जाए। प्लीज वेट वेरीफाइंग डाटा फॉर सबमिशन। आपकी जो आपने जो पिक्चर दी है ये सबमिशन के लिए तैयार हो गई है, वो कह रहे हैं जी हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये देखें जी हमारी जो पिक्चर है ये अपलोड हो गई है और ये पेंडिंग में चली गई है, यहाँ पे रिव्यू के लिए अंडर रिव्यू में है। ये जैसे ही रिव्यू से निकलेगी ये अप्रूव हो जाएगी और हमारी लाइव हो जाएगी और इससे हमें अर्निंग भी होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पीएनजी ट्री पे, वो सेम एज इसी तरह का था, लेकिन उसका जो काम था वो थोड़ा डिफरेंस था। उस पे काम करने के लिए थोड़ी सी महारत चाहिए थी, उसमें पिक्चर्स को आपने काफी घुमा फिरा के लेके आना है दो तीन जगह पे। तो ये जो साइट है इस पे बहुत इजी है, सिर्फ आपने जस्ट इसका जो साइज है उसको देखना है। अगर साइज आप उसके मुताबिक करते हैं और आपकी फोटो जो है वो अच्छी है और 4 MB की जो है होनी चाहिए पिक्चर आपकी, इससे कम की रेजोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 4 MB की पिक्चर है तो ये आपकी अपलोड भी होगी और आपकी अप्रूव भी होगी और आपको इससे रिफंड भी मिलेगा। तो अभी हम पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट मेथड में इसका पेपाल है, पेनियर है, पेयर है, स्किरल है। आप इसको पेमेंट्स का इसमें कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि पेनियर है यहाँ पे और इसको आप इजिली विदड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको इस साइट पे जरूर अपना अकाउंट बनाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।